नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। ऐसा माना जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। इसी से हिसाब लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की जगह कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यूपी की 80 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए विकास के मुद्दे के साथ जातीय समीकरण भी बड़ा फैक्टर माना जाता है और मिशन 2024 में बीजेपी जीत हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में आज का दिन बीजेपी के लिए काफी अहम है क्योंकि ओपी राजभर की पार्टी भाजपा का बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया है और इसी के साथ विपक्षी खेमे को तगड़ा झटका लगा है। ओपी राजभर को पिछड़ा और दलित वर्ग का बड़ा चेहरा माना जाता है और हमेशा से ही चुनाव में उन्होंने पिछड़ी जाति के लोगों के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया है। तो वही आज उसी पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और साथ ही साथ हमारे साथ सपा विधायक जाहिद बेग जी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुरेंद्र मैथानी जी, आज आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज जो है सुभाषपा ने एनडीए में गठबंधन हो गया, एनडीए में शामिल हो गई है, कितनी मजबूती अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलेगी? देखिए जागृति जी, निश्चित रूप से समाज के प्रत्येक वर्ग, धर्म और क्षेत्र, भाषा भाषी की जो भी चिंता करेगा, जो भी राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होगा, जो जनता को सर्वाधिक सरकार की लाभ दिलाने के लिए लालायित होगा, उसका विश्वास आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के साथ और देश में सबसे अद्वितीय, जिसकी तरफ पूरा विश्व समुदाय निगाह लगाए, टकटकी लगाए देख रहा हो, जो अपनी सरकार के माध्यम से आम जनता तक, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत हो, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आने के लिए सहस्र स्वीकार होगा और उसको आगे आने के लिए उत्सुक भी होगा, इसलिए कि वो भी चाहते हैं कि समाज के प्रत्येक वर्ग का भला हो और देश उन्नति करे। ये इसको मुझे लगता है कि केवल और केवल राष्ट्र प्रेम और जन प्रेम और अंतिम व्यक्ति के उदय के लिए ही केवल दृष्टि से देखा जाना चाहिए, क्योंकि तमाम सरकारों ने आज तक तमाम लोगों की, जो जरूरतमंद लोग थे, उनको सरकार का मतलब भी नहीं समझने दिया और केवल भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के आधार पर ही अपने शासन को चलाया है। अब लोगों को लगा है कि कोई मोदी योगी जैसा व्यक्ति इस देश में आया और एनडीए में इनके जाने के कारण से, आप मान लीजिए कि ओम प्रकाश राजभर जी, मैं सदन में उनको देखता हूँ, सदन में उनके साथ बैठता हूँ, मतलब हमारी भाजपा और सारे लोग, चाहे सारे दल हैं, सभी बैठते हैं सदन में, तो जब हम लोग बैठते हैं तो उनकी चिंता समाज के प्रति जो मैं देखता हूँ, निश्चित रूप से उनका भी समर्पण है और एनडीए में आने के बाद एनडीए की भी ताकत बढ़ेगी और ओपी राजभर की भी ताकत बढ़ेगी। जी बिल्कुल, जाहिद बेग जी आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आज जो है सुभाषपा एनडीए में शामिल हो गई है, उसके बाद ओपी राजभर का बयान भी सामने आता है, उनका कहना है कि अब यूपी में राजनीति खत्म हो गई है। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी इस पर डरी हुई है, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए और सा चक और हथियार इस्तेमाल करेगी। ये प्रदेश के साथ साथ देश की जनता जान चुकी है। पिछले चुनाव के मुद्दे पर जो उन्होंने बोला था, चर्चा नहीं करना चाहता। अभी ताजा घटना महाराष्ट्र के अंदर हुई, देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं भ्रष्टाचारी और उसके बाद दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी का अभी मित्र बन जाते हैं। आज जिस देश के अंदर किसान सालों सालों साल सड़कों पर बैठा हो, जहां पे कर्मचारी धरने बैठे हैं, उनका परेशान है, मजदूर परेशान है, आज कोई किधर जाता उससे मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक सर्वे को ये मालूम हो गया है, इनकी सरकार जाने वाली है, जनता इसको इनको देखना नहीं चाहती। इस वजह से ये दबाव बनाकर और प्रलोभन देकर भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा बनाने की प्रयास कर रहे हैं। जहां तक ओपी राजभर की बात है, जी
मुझे तो उसी दिन जानकारी हो गई थी कि तिरुपति राजन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी FIR कराया था गांव के अंदर, जो बोलता जी उसी दिन उनका भाषा बदल गया था जब इनके ऊपर FIR हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पिछली बार जो उन्होंने चुनाव में उपराज जी ने जो जो कहा प्रधानमंत्री जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को यहां तक मठ में भेजने के कहा, किसान विरोधी कहा, छात्र विरोधी कहा, कौन सी ऐसी परिवर्तन आ गया है भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो पिछड़ा विरोधी आप कह रहे थे? कौन सा ऐसा काम किया उन्होंने? आज उपराज बदली चले गए हैं, समाज की चिंता उनको नहीं है, किसों की चिंता नहीं है, दलितों की चिंता नहीं है, उनको चिंता इस बात की हमारा लड़का कैसे मंत्री बन जाए, हमारा लड़का पहले कैसे MP बन जाए, हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने FIR कराया था उस FIR को कैसे समाप्त किया जाए, खाली पर्सनल फायदे के लिए, व्यक्तिगत फायदे के लिए समाज को बेच के काम कर रही, वो जनता जान चुकी है, कोई किधर चला जाए कोई किधर आ जाए। इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो देश में हुई मुहिम चल रही है, किसान छात्र व्यापारी जी पिछड़ा अगड़ा सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को जोड़ दबाव बनाकर तोड़कर ऐसा देकर दबाव ED का दबाव बनाकर अपने साथ हिस्सा बनाने का काम कर रही है, लेकिन जनता जान चुकी है कोई फायदा नहीं होगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ सुबह सुबह प्रवक्ता सुभाष चंद्र यादव जी भी जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। जिस तरीके से जाहिद बेग जी को आपने सुना, उनका कहना है कि जनता के हित में या जनता के कल्याण के लिए गठबंधन नहीं हुआ है, OP राजभर को तो अपने बेटे को मंत्री बनवाना, इसलिए गठबंधन किया गया है। सुभाष चंद्र यादव जी से एक बार दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सुरेंद्र मैठानी जी, जिस तरीके से आपने जाहिद बेग जी को भी सुना, उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और इसलिए प्रलोभन दे करके अन्य दलों को अपनी तरफ अपना हिस्सा बनाने में जुटी हुई है, BJP अपने कुर्सी बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। हाँ देखिये जागृति जी, जाहिद बेग जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति है, सदन में हमारे साथ है, विधायक है, अब सपा से है, लेकिन ये इस बात को पचा नहीं पाएंगे क्योंकि यही राजनीतिक बयान ये 2014 में भी देते रहे हैं, 17 में भी देते रहे, 19 में भी देते रहे, 2022 में भी देते रहे, और इनको जनता ने लगातार नकारा है। सारे प्रयोग किए इन्होंने, राहुल गांधी जी के साथ भी गए हैं, मायावती जी के साथ भी गए हैं, सभी लोगों के साथ जाकर के अब धीरे धीरे जो ये सपा को लोगों ने नकारना शुरू कर दिया है, मतलब सपा अपने कारणों से, सपा किसी दूसरे कारण से नहीं, अपने कारणों से ही अपने कुल गर्त में जाने की ओर आगे बढ़ रही है। क्योंकि आपकी पॉलिसी देख लीजिए, उठा करके अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हैं और उनके कैबिनेट के मिनिस्टर गायत्री प्रजापति जी भ्रष्टाचार में आज भी जेल में है। ये तो गायत्री प्रजापति जी की भलमनसा होगी कि जो उन्होंने अभी तक इस राज को नहीं खोला, नेता अखिलेश जी भी जेल में होंगे, ये इनका चरित्र है। सुनने का साहस रखिए और सुन करके फिर जवाब दीजिए। मैं आप बोल रहे थे आपके बीच में, मैं चुपचाप आपकी बातें सुन रहा था, आप इतने वरिष्ठ हैं। ठीक है जाहिद बेग जी, जाहिद बेग जी मैं आपको बोलने का पूरा मौका दूंगी, आप पूरा मौका दिया, मुझसे ज्यादा आपने बोला, मुझे भी सुन लीजिए फिर बोलिएगा। मैं तो आपसे बहुत जूनियर हूँ तो मैं आपको कहीं वो नहीं कर रहा, लेकिन आपकी पार्टी की पॉलिसी की बात कर रहा हूँ कि जब पार्टी की ऐसी पॉलिसी होगी जहां पर जनता नारा दे। देखिए हम लोगों ने नारा नहीं दिया था 2017 में, अगर हम नारा देते तो जाहिद बेग जी कहते कि ये भाजपा ही है इसलिए नारा दे रहे हैं। जनता ने कहा था जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, ये बात हम लोगों ने नहीं कही थी, जनता ने कही थी और तब इनको नकारा था। तो आप अपनी पार्टी की पॉलिसी को जाहिद जी देखिए, यहाँ पर OP राजभर जी किसी को मंत्री बनाना या न बनाना ये विषय नहीं है, आप समाज के बहुत बड़े वर्ग को और देश हित में राष्ट्र हित में मोदी जी की नीतियों को पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व समुदाय सराह रहा है,
आज यूक्रेन में आप देखिए किस तरह से झंडा लगा करके और युद्ध रोक करके भारत ही नहीं पाकिस्तान के बच्चे भी निकल गए। ऐसा साहस कभी भारत में आपने देखा था? तो लोग समझते हैं चीजों को, लोग मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। और इन राजनीति जो हम सब लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस दिशा में ले जाने का प्रयास किया, जो समाजवादी पार्टी ने या बसपा ने ले जाने का प्रयास किया था, अब लोग उसको नकारते हैं। अब लोग डेवलपमेंट की राजनीति चाहते हैं, लोग कल्याण की राजनीति चाहते हैं, लोग देश के भले की राजनीति चाहते हैं, नौजवानों को आगे बढ़ाने की राजनीति, रोजगार की राजनीति चाहते हैं, आवास निशुल्क देने की राजनीति चाहते हैं, निशुल्क राशन देने की बात करते हैं, 5 लाख के बीमा को देने की बात करते हैं। अब ये सब बातों का, गुंडागर्दी का और ये सब पॉलिसी अब लोग पसंद नहीं करते। जाहिद जी मैं तो आपको भी सजेस्ट कर लीजिए। ठीक है, हमारे साथ सुभाष चंद्र यादव जी भी जुड़ गए हैं। सुभाष जी आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक तरफ जहां जाहिद बेग जी का ये आरोप है कि ओपी राजभर जन कल्याण के लिए नहीं एनडीए में शामिल हुए हैं बल्कि उनको अपने बेटे को मंत्री बनाना है। जागृति जी थोड़ा सा आवाज मेरी सही करा दीजिए क्योंकि पीप पीप की आवाज आ रही है, स्पष्ट आवाज नहीं आई है। रही बात समाजवादी पार्टी के जाहिद बेग साहब की, तो समाजवादी पार्टी वालों का काम इसी प्रकार के आरोप लगाना, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो बयान है इनके नेताओं के उससे ये पता चलता है कि समाजवादी पार्टी को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए ना। समाजवादी पार्टी बोलती है भाई पीडीए की बात कर रही है, अरे कौन से पीडीए की बात कर रहे हो? पीडीए के अंदर तो दारा सिंह चौहान के रूप में कल पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के सामने एक विकेट तो कल गिर गया, और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के अंदर एक बड़ी भगदड़ मचने वाली है। कई ऐसे बड़े नेता, कई ऐसे विधायक है जो समाजवादी पार्टी को टाटा बाय बाय कहने वाले, तो समाजवादी पार्टी के नेता अपनी पार्टी के अंदर झांक के देखे। रही बात जिन पिछड़ों की बात करती है समाजवादी पार्टी, जिन दलितों की बात करती समाजवादी पार्टी, भैया आप हमको आईना दिखा रहे हैं? हम तो 18 महीने की सरकार के अंदर पूर्व के अंदर शामिल थे लेकिन हमारी मांग उस समय नहीं सुनी गई, हम सरकार से बाहर चले गए। वर्तमान में हम जब एनडीए के अंदर शामिल हुए तो हमें उसी मुद्दों को लेकर शामिल हुए, किस नेतृत्व हमको आश्वासन दिया कि आपकी मांगे मानी जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए के घटक सहयोगी की बात छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लोग, पहले आप ये स्पष्ट कर दिए कि श्रद्धेय आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी 3 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी 1 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब आपको सामाजिक न्याय समिति की याद नहीं आई? तब आपको जातिगत जनगणना की याद नहीं आई? तब आपको फ्री शिक्षा फ्री स्वास्थ्य की याद नहीं आई? सत्ता से बाहर जाने के बाद ही आपको इन सब चीजों की याद क्यों आती है? भारतीय समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रणब राजभर जी जागृति जी शुरुआत से ही पिछले 20 वर्षों से इन्हीं मांगों करते आ रहे हैं और आज भी अपनी उसी मांगों के ऊपर उसी स्टैंड के ऊपर कायम है। तो हम तो कहीं इधर से उधर नहीं गए ना। समाजवादी पार्टी अपना पहले घर बार देख ले, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अंदर समाजवाद बचा ही नहीं है, ये सिर्फ एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म बन के रह चुकी है। ठीक है, जाहिद बेग जी देखिए जिस समाज की बात कर रहे हैं आज जिस दल में ये गए हैं, मैं नवासे के पहले से बताना चाहता हूँ, जब पिछड़ों को आरक्षण मिला यही भारतीय जनता पार्टी लोगों ने सड़कों पे बवाल मचाया। आज जिस नेता माननीय मुलायम सिंह यादव की बात करते हैं, ये पीडीए की बात करते हैं, माननीय अखिलेश यादव ने नारा दिया है, जब सरकार नई नेता भी मुख्यमंत्री थे, थोड़ा सा आवाज ठीक करवाइए, पंचायत की राज व्यवस्था, पूरी आवाज सुनाई नहीं दे रही सामने वाले, पंचायत की राज व्यवस्था किसने लागू किया, किस पार्टी लागू किया, मैं पूछना चाहता हूँ। जो दलित, जो पिछड़ा और जो लोग हिम्मत नहीं पड़ती थी कुर्सी पे बड़ा बैठने के लिए, उनको प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत, आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ बीच में बनाया मुझे नेताजी सरकार ने बनाया, समाजवादी पार्टी लोगों ने बनाया। आइए जब जब पिछड़ों की बात हम लोगों ने किया है, तब तब ये तो ये लोगों ने स्वयं करके सरकार गिराने का काम किया है, क्योंकि इनके पास 5000 रुपया है, पिछड़ों की बात करने वाले लोगों को सरकार गिराने का काम करते हैं। आज ये देख रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, बाबा साहब का संविधान को समाप्त करने की बात हो रही है, आज आज यही वजह है कि जनता, आम जनता, नेता कहीं भी चला जाए, आम जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। और लोग मंत्री बनने के लिए भैया जितने हो गया था वो राजभर साहब के ऊपर कुछ भी मैं समझ गया, नहीं जाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, पीछे लोगों के ऊपर दबाव बना के भैया
काम करते हो पिछले दाम जी है जो भी पैसा जो भी नहीं है आने वाला 2024 बाबा साहब फिर तो अम्बेडकर के संविधान में बनने वाले संविधान को निकालने के लिए पिछड़ा की राय लेने के लिए जो संविधान ने संविधान बनाया था उस संविधान के तहत पिछड़ों का आकर कितने दिया सबसे बड़ा कर दिया गया तब भारतीय जनता पार्टी लोगों ने इसका विरोध किया। अब क्या जिला दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ किसने लाभ किया आप बात करते नेता जी बात करते हैं समाज में बचेगी बराबर के हक देने सही दे रहे थे नेता जी ने ठीक पंचायत का व्यवस्था लागू किया प्रमुख जिला पंचायत का प्रधान काम किया और अभी देश नहीं देश नेता थे ठीक है नेता पर उंगली उठाकर ठीक है जाहिर देख जी ठीक है आपके इन तमाम आरोपों का जवाब भी ले लेते हैं सुरेंद्र बैथानी जी। आप देखिए जागृति सबसे पहली बात तो कि इन्होंने कभी भी पिछड़ों के दलितों की चिंता ही नहीं करी केवल तुष्टिकरण की इन्होंने राजनीति करी है। आप देख लीजिए चाहे मुलायम सिंह यादव जी का शासनकाल हो चाहे अखिलेश जी का शासनकाल हो दलितों पर पिछड़ों पर सबसे ज्यादा अत्याचार अगर कभी हुआ है तो इन्हीं के शासनकाल में हुआ है। मैं एक जाति की बात नहीं करता कि अगर एक केवल जाति को वो बढ़ावा देते हैं वो अपने परिवार को बढ़ावा देते हैं तो ये तो बेग जी सपा में विधायक है ये बड़ी बात है अन्यथा वहां पर तो सिर्फ परिवार का ही व्यक्ति बन सकता है दूसरा व्यक्ति नहीं बन सकता वही डिंपल बनेंगी सांसद वही कोई कार्यकर्ता नहीं बनेगा तो ये इनकी पार्टी की पॉलिसी क्या है इसको इससे समझा जा सकता है। जहां तक बात करें आप इनके शासनकाल की तो आप देखिए ऐसा एक मुख्यमंत्री का बयान एक सूबे के सूबेदार का बयान आना क्या जनहित में है जहां वो कहे बच्चों से गलती हो जाती है लड़कों से गलती हो जाती है अपहरण का उद्योग होता था अपहरण लोगों की फिरौती को पार्ट बाई पार्ट बेचा जाता था लोगों के बैंक रॉबरी ट्रेन रॉबरी बसों में रॉबरी ये सब डकैतियां पड़ती थी ये पैसा कहां जाता था किनके खातों में जाता था ये आप बताएंगे ये आप बताएंगे शिवपाल यादव से अखिलेश यादव जी इस बात को विवाद हुआ देखिए जरा सुन लीजिए आपकी तो नींद ही अपने पिता को धक्का देकर के बाद सत्ता से हटा करके जो राजनीति मैंने आपको पूरा समय दिया बोलने का मेहरबानी से तो बात पूरी करने दीजिए फिर मुझे समाज से भी प्रश्न करना है। किसकी बात करेंगे आप ठीक है ठीक है आपको कभी समाज की बात कर ही सकते आप एक एक देखिए जाहिर बेग जी मैंने आपको पूरा समय दिया है बोलने का समय का अभाव है मुझे सुभाष जी से भी प्रश्न करना है। सुभाष जी जिस तरीके से पहले भी गठबंधन था सुभाष चंद्र यादव जी पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन था उसके बाद अलग हुए फिर जो है सपा का दामन थामा अब सपा से भी अलग हुए दोबारा बीजेपी में वापस लौटे हैं कितनी सीटों पर बात बन पाई है और क्या बार बार इस तरीके से पार्टी बदलने से सुभाष सपा की जो छवि है वो खराब नहीं होगी। जागृति जी पहली बात तो पार्टी का जो मामला रहता है वो अलग बात आगे जो सीटों की आपने बात की तो सीटों का जो भी मामला होगा एनडीए की घटक दलम बन चुके हैं तो एनडीए की जो भी बैठक होगी उसके अंदर जो भी तय किया जाएगा कि भाई क्या सीटें मिले क्या नहीं मिलेगी इसके बारे में हमारा सीट देगा। रही बात पाला बदलने की तो समाज पार्टी कभी पाला बदलती नहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता शोषित वंचित पिछड़े दलितों को मायने रखे उनके हितों को मायने रखे जाती है। समाजवादी पार्टी के साथ में हम गठबंधन में थे बिल्कुल थे लेकिन समाजवादी पार्टी का जितने दिन भी गठबंधन के अंदर थे मजबूती के साथ में थे लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर समाजवाद बचा कहाँ है। समाजवादी पार्टी सिर्फ परिवारवाद को परिभाषित करती है। अभी मेरे काबिल दोस्त समाजवादी पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ये संविधान की बात कर रहे थे पिछड़े की बात कर रहे थे कौन से संविधान की बात कर रहे संविधान के अंदर ये बताइए इनसे कि पूछे कहीं शूद्र सबका उल्लेख किया गया है और इनके राष्ट्रीय महाचार्य स्वामी प्रसाद मौर्य जी शूद्र शूद्र करके पूरी तरीके से बवाल मचा दिए थे इनसे पूछिए पिछड़े की बात कर रहे कौन से पिछड़े की बात कर रहे हैं ये ठीक है इन पिछड़ों को सत्ता में रहते हुए इन्होंने क्यों नहीं जाति का झगड़ा करवाने का प्रयास किया ठीक है सत्ता में रहते हुए क्यों नहीं सामाजिक न्याय सामाजिक परिवर्तन करने का प्रयास किया जी बिल्कुल माफ कीजिएगा समय का थोड़ा अभाव है आप तीनों मेहमानों को रोकना चाहूंगी।
समय का यहाँ पर अभाव है। तो जिस तरीके से आज की इस पूरी चर्चा में आपने सुना, जहां एक तरफ सपा का यह आरोप है कि ये जनहित में फैसला नहीं लिया गया है, जनता के सरोकार में ये फैसला नहीं लिया गया, तो वही सुभाषपा का कहना है कि जनता के हित में ही हमेशा जो पार्टी है वो कदम उठाती आई है। हालांकि इस गठबंधन का फायदा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कितना होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।